नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। सरकार के प्रयासों और कुछ सीजनल फैक्टर्स के कारण भवन निर्माण सामग्रियों की कीमत रिकॉर्ड कम हुई है। खासकर सबसे खर्चीले सरिये के भाव रोज ही गिरते जा रहे हैं। महज दो महीने पहले रिकॉर्ड बना रहा सरिया अभी आधा हो गया है। इसके अलावा सीमेंट से लेकर ईंट तक की कीमतें गिर गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई देशों में गेहूं की भारी कमी हुई है। गेहूं की कमी और विवाद के बीच अफ्रीकी देश मिस्र भारत के साथ एक समझौता कर रहा है। समझौते के तहत वह अपने देश में भारत से 5 लाख टन गेहूं मंगवाएगा। इसके बदले वह भारत को उर्वरक सहित अन्य उत्पाद भेजेगा। सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से महंगाई से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों के बीच महंगा कच्चा तेल मुसीबत बढ़ा सकता है। कच्चा तेल एक समय में $121 के पार निकल गया है। रूस पर यूरोपीय यूनियन के फैसले के बाद कच्चे तेल में और तेजी आने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है, तो यूरोपियन यूनियन इस साल के अंत से रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगी। ऐसे में भारत के पास सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने का बड़ा अवसर है। भारत रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से सस्ते और भारी भरकम डिस्काउंट वाले कच्चे तेल के आयात करने पर विचार कर रहा है। मंडियों में आवक की कमी और भाव ऊंचा बोले जाने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों और सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव सुधार के साथ बंद हुए। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में छुट्टी होने के कारण मूंगफली तेल तिलहन बिनौला कच्चा पामोल तेल और पामोलियन तेल कीमतों पूर्व स्तर पर बनी रही। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव में उछाल आया है। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव और बढ़ गए हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 2008 के अपने रिकॉर्ड हाई से 11% ही नीचे हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान में MSP पर चना खरीदी की सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब एक दिन में एक किसान से 40 क्विंटल चना खरीद सकेगी। पहले ये सीमा 25 क्विंटल की ही थी। इससे चने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान के किसानों को चना बेचने में आसानी होगी और मंडी में दामों को मजबूती मिलेगी। प्याज की कीमतों को लेकर सबसे खराब दौर से गुजर रहे महाराष्ट्र के किसानों को नाफेड कुछ राहत देने की तैयारी कर रहा है। इस साल किसानों की समस्या को देखते हुए नाफेड अपनी खरीद बढ़ा सकता है। इस साल 4 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की जा सकती है। प्रमुख तिलहन फसलों में से एक सोयाबीन पर दुनिया भर के कई देशों में मौसम की मार पड़ी है। इसी की वजह से उत्पादन में कमी हो गई है। वहीं भारत में अच्छे उत्पादन के बावजूद सोयाबीन का दाम MSP से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक ज्यादा रहने का अनुमान है। महंगाई की मार झेल रहे देश के किसानों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। किसानों के लिए सरकार एक खुशखबरी लेकर आ रही है, जिसके तहत अब किसानों को अपनी फसलों के और अच्छे दाम मिलेंगे। केंद्र सरकार इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष 925,000 हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की फसल ली है। वहीं समर्थन मूल्य पर इसका उपार्जन होना है। केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम में 2,25,000 टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए वहीं निर्धारित किया गया है, जबकि उत्पादन का अनुमान 11 लाख टन से अधिक है। यूक्रेनियन एग्री बिजनेस क्लब यानी कि UAC ने कहा है, यूक्रेन ने विपणन वर्ष 2021-22 में 1.4 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया है, जो 1.2 मिलियन टन की घरेलू मांग को पूरी तरह से कवर करता है। इसलिए खपत से अधिक उत्पादन ने कमी की समस्या को खत्म कर दिया है। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।